सनराइजर्स हैदराबाद से आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मैच जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरकार फाइनल में एंट्री कर ली है। 13 सीजन के इतिहास में ये पहला मौका है जब दिल्ली की टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। मंगलवार को यहां पर चार बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के फाइनल में पहुंचने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने दिल्ली को फाइनल में पहुंचने की बधाई देते हुए फाइनल को रोमांचक बनाने की उम्मीद की है। दरअसल रैना ने ट्विटर पर दिल्ली को बधाई देते हुए लिखा, फाइनल में पहुंचने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को ढेरों शुभकामनाएं। इसी ईमानदारी, समर्पण और मेहरबानी के साथ खेलते रहो। पूरी उम्मीद है कि मुंबई इंडियंस के साथ ये रोमांचक फाइनल होगा। दोनों टीमों को मेरी शुभकामनाएं। रैना के अलावा आईपीएल में दिल्ली के पूर्व कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने भी दिल्ली को बधाई दी। सोशल मीडिया पर अपने चुलबुले अंदाज के लिए फेमस सहवाग ने यहाँ सलमान खान के एक सॉन्ग की कुछ लाइनें और उनकी एक तस्वीर के साथ दिल्ली को फाइनल में पहुंचने की बधाई दी। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सहवाग ने लिखा, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। इसके अलावा उन्होंने ट्विटर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखा, फाइनल में पहुंचने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को शुभकामनाएं। यही इकलौती एक्टिव टीम थी जो अभी तक आईपीएल में फाइनल में नहीं पहुंची थी। अब आगे 2020 और बहुत कुछ दिखाएगा। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।